अकबर का जन्म 15 अक्टूबर 1542 में अभी के पाकिस्तान के उमरकोट में हुआ था। वहीं महाराणा प्रताप का जन्म 9 मई 1540 में इंडिया के राजस्थान स्टेट में हुआ था। अकबर ने 1556 से लेकर 1605 तक हुकूमत की थी। वहीं महाराणा प्रताप ने 1572 से लेकर 1597 तक राज किया था। अकबर मुगल डायनेस्टी से बिलोंग करते थे। वहीं महाराणा प्रताप सिसोदियाज ऑफ मेवाड़ डायनेस्टी से बिलोंग करते थे। महाराणा प्रताप शाही घोड़े पर सवारी करते थे, जिसका नाम उन्होंने चेतक रखा था। वहीं अकबर की शाही सवारी हाथी की हुआ करती थी। रिसर्च से पता लगाया गया है कि महाराणा प्रताप की पूरी संपत्ति 1 से 5 मिलियन डॉलर के बीच हुआ करती थी। वहीं अकबर की पूरी संपत्ति 21 ट्रिलियन डॉलर्स के आसपास मानी जाती थी। महाराणा प्रताप और अकबर के बीच 18 जून 1576 को इतिहास की सबसे बड़ी जंगों में से एक लड़ी गई थी, जिसे आज हम बैटल ऑफ हल्दी घाटी के नाम से भी जानते हैं। वीडियो पसंद आया तो लाइक और सब्सक्राइब करें, और पसंद नहीं आया तो डिसलाइक करें।